स्वागत है दोस्तों फिर से आपका एक बार द लर्निंग गेम में। आज हम बात करने वाले हैं कि आप यूनिटी गेम के अंदर एड मोब यानी कि गूगल की एड किस तरीके से लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये प्रोजेक्ट हमारा पहले से ही बना हुआ है जिसके अंदर हम गूगल की एड लगाएंगे यानी कि एड मोब की एड लगाएंगे। तो एड मोब की एड लगाने के लिए पहले तो आपका गूगल में एक अकाउंट होना जरूरी है। अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया है तो आप अकाउंट बना लीजिए एड मोब के अंदर, उसके बाद में आप ये एड लगा सकते हो। तो मैंने अपना एक अकाउंट बना के रखा है और आपको क्या करना है, ये आपका जो प्रोजेक्ट है वो अपने अकाउंट के साथ आपको लिंकअप करना है। तो चलिए इसे लिंकअप कर देते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल के एड मोब पेज पे आ जाइए, जो मैंने नीचे लिंक पे दे रखा है उसके ऊपर आप क्लिक करके यहाँ पर आ जाइए। और आ जाने के बाद आपको क्या करना है, ये एप्स के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद में एड ऐप के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको पूछेगा कि क्या आपकी ऐप या आपकी गेम कौन से प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है। तो हमारी जो है वो एंड्रॉयड के लिए बन रही है तो हम एंड्रॉयड के ऊपर क्लिक कर देंगे। या नीचे एक और सवाल है कि आपकी ऐप है वो प्ले स्टोर पे लिस्टेड है, तो हम कर देंगे नो, क्योंकि अभी तक हमारी ऐप बनी नहीं है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी ऐप का नाम लिखना है। तो हमारी ऐप का नाम है द पायरेट किंग, तो मैं यहाँ पे पायरेट किंग लिख देता हूँ और आप अपने हिसाब से जो भी आपने नाम रखा हो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। अब एड ऐप के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब जो हमारी ऐप है हमने यहाँ पे क्रिएट कर ली है एड मोब में, अब हमें डन के ऊपर क्लिक कर देना है। डन के ऊपर क्लिक कर देने के बाद ये आपके सामने एक डैशबोर्ड आ जाएगा जिसके यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही होंगी, लेकिन फिलहाल आपको एड यूनिट के ऊपर क्लिक करना है। एड यूनिट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे आपको अलग अलग तरह की एड मिलेगी। यहाँ पर जैसे कि बैनर एड है, इंडस्ट्रियल है और रिवॉर्ड एड है। तो आपको क्या करना है कि फिलहाल हम रिवॉर्ड के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपको रिवॉर्ड एड के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हमें रिवॉर्ड सेटिंग के अंदर कुछ यूनिट डालने होते हैं, तो आपको वो यूनिट डालने की जरूरत नहीं, आप इसको एक ऐसे ही छोड़ दीजिए। और यहाँ पर आप रिवॉर्ड में क्या देना चाहते हैं, जैसे कि डायमंड देना चाहते हैं, कॉइन देना चाहते हैं या लाइफ देना चाहते हैं, जो कुछ भी आप देना चाहते हो आप इसका नाम यहाँ पे लिख सकते हो। तो हम यहाँ पे लाइफ लिख देंगे और यहाँ पर आपको एड यूनिट का नाम लिखना है। तो मैं यहाँ पे नाम लिख दूंगा रिवॉर्ड लाइफ और उसके बाद में क्रिएट एड यूनिट। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाली स्क्रीन आ जाएगी। अब ये आप खास ध्यान रखिएगा, ये जो है वो आपकी एप आईडी है और जो नीचे दी गई है वो आपकी एड आईडी है। जो एड यूनिट हमने बनाया उसकी आईडी ये है और ऊपर जो है वो है एप आईडी। तो फिलहाल इसको हम यहाँ पे डन कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे के रखी है डाउनलोड प्लगइन, तो आपको क्या करना है वो वाली लिंक पे क्लिक कर देना है तो आप यहाँ पर सीधे आ जाओगे। अब क्या करना है, आपको ये जो पैकेज है उसके ऊपर आपको क्लिक करके इसे डाउनलोड करना है। तो मैंने इसको क्लिक किया और उसको यहाँ पर मैंने सेव कर लिया है। अब क्या करना है दोस्तों, जो मैंने आपको दूसरी लिंक दे के रखी है क्विक स्टार्ट वाली, उसके ऊपर आप क्लिक करना है आपको। तो अब यहाँ पर क्या होगा दोस्तों कि ये इंस्ट्रक्शन दी गई है कि किस तरीके से आप पैकेज इंस्टॉल कर सकते हो यूनिटी के अंदर। तो मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको ये समझ भी नहीं आ रहा है कि किस तरीके से करना है तो आप पहले तो यूनिटी पे आ जाइए। यूनिटी पे आ जाने के बाद आपको एसेट्स में आना है और इंपोर्ट पैकेज के ऊपर आपको कस्टम पैकेज में जाना है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद में जो हमने गूगल मोबाइल एड्स पैकेज डाउनलोड किया था उसे हम क्लिक करके यहाँ से ओपन कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही होगी, तो आप चाहे वो रख सकते हैं और बाकी हटा सकते हैं। जैसे कि अभी हमको iOS की ज़रूरत नहीं है तो इसको हम यहाँ से फिलहाल हटा देते हैं, तो हम एंड्रॉयड के लिए काम कर रहे हैं इसलिए। तो अब हम क्या करते हैं, इसे इंपोर्ट कर लेते हैं और यहाँ पर एक आपको वार्निंग मिलेगी तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, आपने अपनी गेम को सेव करके रखा होगा। ये थोड़ा टाइम लेगा, तो चलिए ये इंस्टॉल हो जाने के बाद मैं आपको फिर से मिलता हूँ। अब ये देखिए ये पैकेज हमारा इंस्टॉल हो गया है। तो हमें क्या करना है,
एक और काम करना है, एसेट्स में जाना है। एसेट्स में जाने के बाद एक्सटर्नल डिपेंडेंसी मैनेजर के ऊपर जाना है, और उसके बाद में वहां पर आपको एंड्रॉइड रिजोल्वर के ऊपर जाना है, और उसके बाद में रिजोल्व में जाना है। आपको ये रिजोल्व के ऊपर क्लिक कर देना है। ये भी थोड़ा टाइम लेगा, तो आपको इंतजार करना है जब तक ये अपना प्रोसेस कंप्लीट ना कर ले। अब इसको आप ओके कर दीजिए, और यहां पे कुछ आपको एरर दिखाई दे रही होगी, वो iOS की एरर है, तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि हम तो एंड्रॉइड के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा अभी। अब दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे कि हमने एड मैनेजर बनाकर यूनिटी की एड इसके अंदर डाली थी, तो उसी तरीके से हम क्या करेंगे, ये एड मैनेजर को यहाँ से हम हटा देते हैं, और यहाँ पर हम एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट ले लेते हैं जिसका नाम हम देंगे एड मॉब मैनेजर। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक स्क्रिप्ट लगाएंगे, तो हम यहाँ पर एक स्क्रिप्ट बना लेते हैं जिसका नाम हम देंगे गूगल रिवॉर्ड एड। अब हम क्या करेंगे, ये जो एड मॉब मैनेजर है इसके अंदर हम ये वाली स्क्रिप्ट एड कर देते हैं। अब चले चलते हैं ये स्क्रिप्ट पर, और मैंने जो डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी लिंक दे के रखी है उसके ऊपर आप क्लिक कर लीजिए, या फिर यहां पर आप जो भी फॉर्मेट सिलेक्ट करना चाहते हैं उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल यहां पर मैं ये जो इंप्लीमेंट रिवॉर्ड एड है उसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूं। अब आपको ये वाले पेज पे लेके जाएगी। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आपको दी गई है कि आपको किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है एड को, और किस तरीके से शो करना है, तो मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से हम काम करते हैं। लेकिन आप एक बात याद रखिएगा दोस्तों, कि जब तक आप टेस्ट मोड पे काम कर रहे हो, यानी कि आपकी गेम ऑनलाइन नहीं हुई है, तब तक आपको टेस्ट मोड पे ही काम करना है। नहीं तो क्या हो जाएगा कि गूगल आपका अकाउंट बैन कर देगा और आप एड नहीं दिखा पाओगे गूगल की, तो ये बात का खास ध्यान रखिएगा आप दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ पर स्क्रिप्ट इन्होंने दी है उसको हम यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, और इसके अंदर हम यहाँ पर इसे पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे आपको कुछ एरर दिखाई दे रही होगी, तो आपको ये हटा देनी है एरर। किस तरीके से हटाएंगे मैं आपको बता देता हूँ। अब आपको ये जो यहाँ पे क्लास दिए गए है इसको आपको कॉपी करना है और ले लेना है। अब ये देखिए यहाँ पर बाय डिफॉल्ट इसने ये वाली आईडी आपको दे के रखी है, ये टेस्ट मोड आईडी है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आपने अपनी जो खुद की आईडी है उसको आप यहाँ पे कमेंट में आप डाल के रख सकते हैं। हमारी जो आईडी थी वो क्या थी मैं आपको बताता हूँ, जो हमारी आईडी थी वो ये वाली थी, तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया है, जब मैं इसे फाइनल करूँगा तब मैं इसे कमेंट में कर दूँगा और इसे लाइव कर दूँगा, लेकिन फिलहाल हम इसे ऐसे ही कमेंट में छोड़ देते हैं। अब देखिए यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है, ये वाली एक एरर है, तो आप एक काम कीजिए इसको यहाँ तक हटा दीजिए, और इसकी वैसे भी हमें कोई ज़रूरत है नहीं। ये स्क्रिप्ट जो है वो आपकी जो एड है उसे इनिशियलाइज करेगी। कौन सी वाली एड को, ये वाली जो आपने आईडी यहाँ पे डाली है, फिलहाल ये टेस्ट वाली आईडी यहाँ पर काम करेगी, लेकिन बाद में जब आप लाइव करोगे तो ये वाली आईडी जो आपको, ये वाली आईडी जो है वो वाली एड इनिशियलाइज होगी यहाँ पे। अब ये फंक्शन में क्या हो रहा है दोस्तों, कि जैसे ही एड लोड हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये जो है लाइन वो कंसोल में प्रिंट हो जाएगी। तो हमें कोई वो प्रिंट नहीं करवानी है, हमें क्या करवाना है, हमें यहाँ पर जो ये बटन दिया गया है वो बटन हमें एक्टिवेट करवाना है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर स्क्रिप्ट में हम एक पब्लिक बटन ले लेते हैं और उसका नाम हम दे देते हैं शो एड। इसे यहाँ पर हमने सेव कर लिया और वापस यूनिटी पे चलते हैं। अब यहाँ पर ये स्लॉट आ गया है, इसके अंदर हम ये वाला बटन डाल देते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये स्टार्ट फंक्शन के अंदर ये जो बटन है उसे हम यहाँ पे डिसेबल कर देंगे, सो एड डॉट इंटरेक्टेबल इज इक्वल टू फॉल्स।
अब जब ये एड जो है वो लोड हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से वापस इंट्रैक्टेबल कर देंगे। सो एड डॉट इंट्रैक्टेबल इज इक्वल टू ट्रू। अब ये जो बटन है वो हमारा इंट्रैक्टेबल हो गया, मतलब कि आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर वापस आना है और ये जो फंक्शन सो द एड, ये वाला जो फंक्शन है उसे हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे और हम क्या करेंगे लास्ट में यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। अब जो हमारा बटन है वो इंट्रैक्टेबल तो हो गया है, लेकिन उसके ऊपर क्लिक करने पर अभी भी कुछ होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे ऑन क्लिक लिसनर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, सो एड डॉट ऑन क्लिक डॉट ऐड लिसनर, और हम कौन सा वाला फंक्शन कॉल करवाना चाहेंगे क्लिक करने पर, ये वाला। तो ये वाला फंक्शन हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देंगे। अब क्या होगा दोस्तों कि अगर एड लोड हो गई है तो हमारा बटन जो है वो इंट्रैक्टेबल हो जाएगा और उसके ऊपर क्लिक करने पर क्या होगा, ये फंक्शन कॉल होगा। इस फंक्शन के अंदर क्या होगा, एक बार चेक करेगा कि जो हमारी एड है वो लोड हो गई है, अगर लोड हो गई है तो फिर वो एड को शो करेगा। तो चलिए इसे यहाँ पर हम सेव कर लेते हैं और यूनिटी पर जाकर देखते हैं। अब यहाँ पर हम इसे प्ले कर लेते हैं। अब ये देखिए ये बटन इंट्रैक्टेबल यहाँ पर है, तो इसके ऊपर हम क्लिक करके देख लेते हैं। ये देखिए हमने क्लिक किया, यहाँ पर गूगल की एड आ गई है और 5 सेकंड के बाद इसे आप क्लोज भी कर सकते हो। तो यहाँ से इसे क्लोज कर दूंगा। अब देखिए क्लोज करने के बाद क्या होगा दोस्तों, एक फंक्शन में एक और ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि क्लोज करने के बाद दूसरी बार अगर आपको ऐड देखनी है तो आप ऐड नहीं देख सकते। देखिए मैंने यहाँ पर इसको क्लोज तो कर दिया, अब इसके ऊपर वापस यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए कुछ नहीं हो रहा है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, वापस चलते हैं यहाँ पर। अब ये जो स्टार्ट फंक्शन है इसके अंदर हमने ये एड को लोड करवाया था, तो हम क्या करेंगे ये जो यहां से यहां तक हम इसे कट कर लेते हैं और एक फंक्शन बना लेते हैं, इसका नाम हम देंगे प्रीलोड एड, और इसके अंदर हम ये पेस्ट कर देंगे। अब ये जो प्रीलोड फंक्शन है उसे हम कॉल करवा लेंगे स्टार्ट फंक्शन में। अब यही फंक्शन हम एक बार और कॉल करवाएंगे, कहां पर, जब हमारी एड क्लोज हो जाएगी, मतलब कि उसने पूरी देख ली और उसके बाद में उसने क्लोज कर दी, तब ये वाला फंक्शन जो है यहां पर हम उसे कॉल करवा देंगे, ताकि एक बार एड देख लिए तो फिर से दोबारा वो लोड कर सके। तो यहां पर भी हम लिख देंगे प्रीलोड एड। अब क्या होगा कि एड जैसे ही क्लोज होगी तो वापिस से ये लोड करेगा ये फंक्शन एड को। अब यहां तक तो हमारी बात हो गई है, हमारी एड रिपीट दूसरी बार भी हम दिखा सकते हैं, लेकिन अब क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अगर वो एड देखता है यूजर तो उसे रिवॉर्ड भी तो मिलना चाहिए, तो रिवॉर्ड के लिए ये वाला फंक्शन जो है वो काम करता है। तो यहां पर आपको रिवॉर्ड देना है, तो रिवॉर्ड देने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो गेम मैनेजर के अंदर हमने यहां पर एक बना के रखा था ग्रांट रिवॉर्ड फंक्शन, वही वाला फंक्शन हम यहां पर कॉल करवा देंगे। तो हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे गेम मैनेजर इंस्टेंस डॉट gr, लिखने पर वो वाला फंक्शन आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों इसे हम सेव कर लेते हैं और वापस चलते हैं यूनिटी पर। यूनिटी पर आ जाने के बाद इसे हम प्ले करके देख लेते हैं, और जैसे ही हमारे प्लेयर की हेल्थ खत्म हो जाएगी गेम ओवर स्क्रीन आ जाएगी। वॉच वीडियो पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ 5 सेकंड के बाद आप इसे क्लोज कर सकते हो, तो 5 सेकंड के बाद क्लोज कर दिया और ये देखिए वापस उसकी हेल्प पूरी हो गई है, मतलब कि हमारा फंक्शन बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। अब हमें देखना है कि जो हमारी एड है वो दूसरी बार लोड होती है कि नहीं, तो इसके लिए फिर से एक बार हम प्लेयर को मरने के लिए छोड़ देते हैं और इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। ये देखिए दूसरी बार भी हमारी एड
आ गई है, मतलब कि हमारा फंक्शन बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से आप एड मोब की एड यूनिटी गेम के अंदर लगा सकते हैं, यानी कि गूगल एड जो है वो आप यूनिटी गेम में यूज कर सकते हैं। अब गूगल में बहुत सारी एड है, जैसे कि ये बैनर एड है और बाकी की भी यहाँ पर दिखाई गई है, तो अगर आप चाहते हैं तो मैं इसके ऊपर पूरा डिटेल वीडियो बना सकता हूँ। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि जिस तरीके से हमने रिवॉर्ड वाली एड लगाई है उसी तरीके से आप बाकी की भी एड लगा सकते हो, लेकिन आपको अगर चाहिए तो इसके ऊपर मैं पूरा डिटेल वीडियो बना सकता हूँ, तो आप मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे सीन मैनेजमेंट की। सीन मैनेजमेंट में क्या होता है दोस्तों कि जैसे कि ये लेवल कंप्लीट हो गया है तो अब यूजर जाएगा अगले लेवल में, तो अगले लेवल हम किस तरीके से प्ले कर सकते हैं उसके बारे में ये वीडियो होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।